आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। संभल से ब्यूरो चीफ आसिम रजा की रिपोर्ट। हाकिम अपना पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की। संभल में गुरुवार को हाकिम अपना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हमजा एडवोकेट ने पार्टी कार्यालय पर लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें अहमदाबाद गुजरात ईस्ट से बाबू भाई, पूर्वी दिल्ली से शादाब अली, रामपुर से लियाकत हुसैन, अजमेर राजस्थान से मोहम्मद साजिद बदायूं, उत्तर प्रदेश से लल्ला तथा लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से मोहम्मद अयूब को टिकट दिया गया है। सभी प्रत्याशियों को अथॉरिटी लेटर तथा सिंबल जारी कर सिंबल देने के बाद उनका स्वागत किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हमजा एडवोकेट ने हाकिम अपना पार्टी के उम्मीदवारों को जीता कर लोकसभा में भेजने की अपील की। मोहम्मद हमजा एडवोकेट ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी यदि जीत कर लोकसभा में जाते हैं तो उनके सांसद सर्वप्रथम पार्टी की घोषणा पत्र में किए गए वायदों के अनुसार कार्य करेंगे और पार्टी की मान मर्यादा को बनाकर रखेंगे। अधिक से अधिक मतों से जीता कर पार्टी प्रत्याशियों को संसद में भी काम हुआ है। मैं मोहम्मद हमजा एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाकिम अपना पार्टी। आज हम 2019 के लोकसभा चुनाव की अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर रहे हैं। हमने जो हमारे बराबर में खड़े हैं मोहम्मद साजिद, इनको राजस्थान प्रदेश में अजमेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ से मोहम्मद अयूब, बदायूं से लल्ला और रामपुर से लियाकत हुसैन लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए हैं। दिल्ली पूर्वी सीट से शादाब अली का नाम घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद ईस्ट से बाबू भाई हमारे लोकसभा प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा और भी हम पूरे देश में जहाँ तक भी हमसे हो सकता है, हमारी टीम काम कर रही है और हम अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित करेंगे। और हाकिम अपना पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरी पार्टियाँ अगर हमसे अलायंस करना चाहती हैं तो हम इस पर विचार करेंगे।